वो ब्रेसलेट, ये तो श्याम जी पहनते हैं। तमीज, जब हम बात कर रहे थे तो उसने सारे कैमरा हटा दिए। और ये ढोल वाला भी हुई। ये तो दी की गोदपुरा वाले दिन का वीडियो है। ये तो दी का कमरा है, मतलब इस कमरे में भी कैमरा है। कुछ रिलैक्स, मैंने चेक कर लिया, अब इस कमरे में कैमरा नहीं है। कर क्या रहे हैं? और ये कांच के टुकड़े, इसके बाद क्या हुआ था? टुकड़ों का दी के गिरने से कुछ लेना देना, मैं उसे छोड़ूंगा। एक मिनट राणा जी, हम बीना, आप फिर से भाग आए। वेरी बैड जीजू, वेरी बैड। आई मीन दिस इज फैमिली टाइम, फैमिली टाइम है ये, तो चलिए चलिए। इनके भाई, अभी हमें कुछ जरूरी काम खत्म करना। जीजू, पहले वो काम फिर कुछ और काम। अरे अभी भी कितनी सारी गिफ्ट्स बाकी खोलने के लिए। सो नो बनानास, आई मीन नो बहानास, चलिए चलिए, कम ऑन कम ऑन। इनके इनके भाई छोड़िए हमें, क्या कर रहे हैं आप इनके? अच्छा मां आ रहे हैं आपके साथ, खुश नहीं सुनूंगा, चलिए प्लीज। संभालिए अपने आप को, बाहर कैमरास लगे हैं। दीप, हम तो भूल ही गए थे कि बुआ जी ने हमें ये तेल दिया था। आपको याद है,
एक बार हमने आपसे कहा था कि अगर आप इस तेल से मालिश करवाएंगी तो आपका पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ खुशी जी, लेकिन अभी लेकिन कुछ नहीं, लाइए हम करते। हेलो हाय बाय बाय। हथेली के फाइव फिंगर्स देखे हैं, सब डिफरेंट वैसन ही आज फटी साड़ी की पूड़िया रही, आल साइज और आल सेप मा। मनोरमा बस भी कीजिए। देखिए तो छोटे, खुशी बिटिया आपके दी की कैसन सेवा करत है। अच्छा तो अब हम समझे, तो ये सब छोटे को दिखाने के लिए था। वैसे खुशी जी, छोटे तो आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, इससे ज्यादा प्यार करना तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा आप थक जाएंगे, रहने दीजिए ना प्लीज। लागत है छोटे आप भी कतार में खड़े हैं मालिश के लिए। हाँ नहीं नानी, वो खुशी और नानी जी थोड़ी देर के लिए हमें बाहर जाना था, कुछ काम था। क्या काम है खुशी जी, हमें भी तो बताइए। दीप वो ओफो अंजलि बिटिया, काहे इतना सता रही हो, जाने दीजिए ना उन्हें, कोनो जरूरी काम होगा, आप लोग जाइए। चलिए खुशी, वो मिसकैरेज नहीं था, इट वाज अ ब्लडी मर्डर। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि श्याम जी ने ये सब किया, और हमें लगा था कि वो बदल गए। हमें माफ कर दीजिए अर्णव जी, हमें श्याम जी को इस घर में वापस ले आए, ये सोचकर कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट अर्णव जी, हमारी बात तो सुनिए। हम जानते हैं कि श्याम जी ने जानबूझकर वो कांच के टुकड़े वहां रखे थे, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ आप उस नीले ब्रेसलेट के बारे में सोच रहे ना, लेकिन उसे सबूत नहीं माना जा सकता है। श्याम जी किसी भी वक्त उस सबूत को झूठा साबित कर छूट सकते हैं, जैसे उन्होंने आपके किडनैपिंग के समय किया था। आप तो जानते हैं ना अर्णव जी, दी को श्याम जी के हर बात पर विश्वास है। हमें श्याम जी पर से दी के इस अंधे विश्वास को तोड़ना ही होगा, लेकिन वो हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब हमारे पास कोई ठोस सबूत हो। तो क्या करूं? हौसला रखिए, विश्वास कीजिए अपने आप पे, हम दोनों पे। अर्णव जी जब तक हम दोनों साथ हैं, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। वो ढोल वाले, शायद वो हमारी कुछ मदद कर पाए। उस दिन हमारे घर जो ढोल वाले आए थे, मैं उन सबसे मिलना चाहता हूँ। ओके सर, अभी बुला देता हूँ। तजिंदर बेटा, सबको बाहर से बुला के लाओ अंदर। तो सर उसमें से एक आदमी नहीं था। कौन? सर एक नया लड़का था। वो क्या हुआ था ना सर, कि उस दिन महेश आपके घर पहुंच तो गया था, पर उसे शायद चोट लग गई थी, तो हमने उसकी जगह पे एक नया लड़का रखा था, टेम्परेरी था सर। पिकनिक में कैसा था? लंबा चौड़ा था, हल्की दाढ़ी थी, थोड़ा सांवला था, पर बोलता बहुत कम था।